चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील मौजूद हैं। फिर किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसान मोर्चा की बैठक होनी है और हरियाणा के कृषि मंत्री हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आज इस गुरुग्राम की धरती पे किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्या कुछ खास है सर? सबसे पहले तो हमारी धरती की खुशकिस्मत है कि पूरे देश के किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी आएंगे, आदरणीय तोमर साहब, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी आएंगे वीएल संतोष जी, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन पर आधारित पार्टी है, इसके विभिन्न विभिन्न संगठन के जो कार्यक्रम होते रहते हैं और सारे देश की यूनिट इकट्ठी होकर के चिंतन मनन कर करके विचारधारा पर आधारित कार्यक्रम करते रहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा ध्यान किसानों के ऊपर दिया है और किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये जगह जगह के पूरे देश के किसानों की आवाज़ है, वो लेकर के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा करके सरकार तक पहुंचाएं और किसानों के हित में काम करें, ये हमारा लक्ष्य है। क्या कुछ एजेंडा है इसमें, इस कार्यक्रम में कार्यकारिणी की बैठक? एजेंडा यही होता है कि जो हर प्रदेश के अपने अपने क्षेत्र के विषय रखे लोग और सारे देश की आवाज एक नेतृत्व के पास पहुंचे और फिर नीतियों के माध्यम से जो जनता तक, खासकर जो किसान मोर्चा है, किसानों तक वो नीतियां भारत सरकार की, प्रदेश सरकारों की बन करके उनके हित में जो काम हो, ये एजेंडा रहता है। मंत्री जी, आप भी एक किसान हैं और किसान आंदोलन समाप्ति के बाद पहली बैठक मानी जाती है, 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, कहीं ना कहीं इस बैठक के माध्यम से क्या आपको लगता है कि उन चुनाव में भी पार्टी के संगठन का जो डैमेज हुआ था आंदोलन के दौरान उसको कंट्रोल करेगी पार्टी? इससे हमारी बैठक का ना किसान आंदोलन से मतलब है ना चुनाव से मतलब है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। सभी जो संगठन बनते हैं उसकी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर पार्टी की मीटिंग, संगठन के जो अलग अलग मोर्चे हैं उनकी मीटिंग, ये होती रहती है। और किसान हित में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और किसान हित में जितना काम हरियाणा सरकार ने प्रदेश में किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या यह भी माना जाए कि इस बैठक के बाद कुछ जो एजेंडे हैं, जो सरकार ने जो कार्य किया है, जो अभी आप गिना रहे हैं, इनको लेकर किसान मोर्चा के सभी संगठन के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन राज्यों में भी जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, लोगों को पहुंचाएंगे? बिल्कुल, यहाँ से जो हमारा एजेंडा होगा, यहाँ पर जो सेट होगा एजेंडा, उसको प्रदेशों तक जाएगा, प्रदेश के बाद फिर जिले तक जाएगा। हमारा जो भी नीति होती है, हम राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर, फिर जिला स्तर, मंडल स्तर, और आखिर में जो अंतिम व्यक्ति है बूथ स्तर तक, वहां तक पहुंचाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि बहुत जल्दी जो हमारा नेतृत्व का फैसला है वो बूथ स्तर तक, जनमानस तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, कृषि मंत्री हरियाणा के हैं और इन्होंने साफ कर दिया कि जो पार्टी की रीति नीति है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां जाना हो या फिर पूरे देश में जो पार्टी की नीति है उसको पहुंचाने के लिए यह एजेंडा, इस बैठक में यह एजेंडा भी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर इस पर भी जो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ ना कुछ इस पर दिशा निर्देश देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ सुशील।